क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरतंतर नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से फ्रेंड्स वेलकम टू तो बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतन सिंह तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं सेल दी रूट ऑफ लाइफ में चैप्टर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हमें पिछली क्लास में हमने बात किया था न्यूक्लियस के ऊपर हमने देखा था कि न्यूक्लियर एनवेलप किस तरह का होता है हमने आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात किया था हमने न्यूक्लियर लेमिना क्या होता है उसको देखा था हमने ब्लेविंग का मतलब क्या होता है उसको समझा हमने हमने न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया था हमने फिर देखा था हमने कि न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा होता है जो फ्रूट भरा होता है उसे हम न्यूक्लियो तो प्लाज्म कहते हैं या न्यूक्लियर या उसे हम जो है वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं उसको देखा हमने फिर हमने बात किया था न्यूक्लियोलस के ऊपर हमने बात किया था ठीक है ना क्लियर तो पिछली क्लास में बेटा हमने काफी कुछ है ना पिछली क्लास में हमने क्या देखा हमने न्यूक्लियस के कई सारे स्ट्रक्चर पर बात किया है यानी क्या-क्या समझ चुके हैं अभी हम इसमें हम क्या-क्या समझ चुके हैं इसमें हम न्यूक्लियोप्लाज्म को देख चुके हैं हम न्यूक्लियस को देख चुके हैं न्यूक्लियर देख चुके हैं और न्यूक्लियर को हम देख चुके हैं और जो एनसीआरटी ने लेवल नहीं किया है वो वो हमको देखना है वो है क्रोमेटिन रेटिकुलम या क्रोमोसोम ठीक है मैंने आपको पहले भी कहा था ना बेटा कि की सूर्गी क्रोमेटिन रेटिकुलम या क्रोमेटिन बोले हम या क्रोमोसोम बोले ना तो मामूली सा फर्क है दोनों चीजों में फर्क इस बात का है कि जब जब वो कंडेंस हो जाता है क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाएगा तो रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाएगा उसे हम क्रोमोसोम बोलेंगे अदरवाइज जब वो फैला हुआ रहेगा उसे हम क्रोमेटिन बोलेंगे ठीक है ना चलिए आगे बात करते हैं इसमें तो देखिए तो इसमें से हमने जो है वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया हमने हमने एक एक चीज को अच्छे से समझा हमने ये भी देखा हमने कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है ध्यान से बात सुनिएगा क्या बोल रहा हूं

न्यूक्लियर स्पेस से वो कंटिन्यूस होता है क्लियर ठीक है फिर टेस्ट में मैंने आपको पूछा भी था बेटा न्यूक्लियोसोम के बारे में मैंने आपसे कहा था के तो याद रखिएगा तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं बेटा हम बात जब क्रोमोसोम की करते हैं तो एक बात ध्यान सुनिए सुनिए हट के यानी मैंने आपको बताया था बेटा क्रोमा का मतलब होता है रंग लेने वाला क्रोमा मतलब होता है कलर्ड के जो रंगा जाए जिसको आसानी से कलर कर पाए वर्ड का मतलब क्या होता है बॉडी या स्ट्रक्चर मतलब क्रोमोसोम को हम आसानी से स्टेन कर कर देख सकते हैं और क्रोमोसोम जो होते 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 हैं 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 दे आर बेसिकली क्या ये कंडेंस्ड क्रोमेटिन के ये कंडेंस्ड क्रोमेटिन होते हैं ठीक है ना कंडेंस्ड क्रोमेटिन होते हैं ये, ये ठीक है अब देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाता हूं कि क्या कंडेंस क्रोमेटिन क्या हो सकता है यहां पे तो मैंने आपसे कहा कि जैसे मेरे पास में जो है वो एक क्लॉथ है मेरे पास छोटा सा मेरे पास एक क्लॉथ है आई है इमेजिन करते हैं हम कि ये क्रोमेटिन थ्रेड है ये क्रोमेटिन इमेजिन करते हैं ये क्रोमेटिन है ठीक है ये क्रोमेटिन है ठीक है और इसको जब हमने कंडेंस कर दिया जब इसको हमने कंडेंस कर दिया हमने इसको जब हमने कंडेंस कर दिया देखिए ये कंडेंस हुआ ठीक है अब ये क्या बन गया अब ये रॉड सब स्ट्रक्चर बन गया ये बन गया क्रोमोसोम क्या बन गया बेटा ये क्रोमोसोम बन गया तो क्रोमोसोम है कंडेंस पार्ट और जब हमने इसको ओपन कर दिया हमने होगा तो क्या बन गया ये क्रोमेटिन बन गया और ऐसे कई सारे क्रोमेटिन जुड़ेंगे तो क्रोमेटिन रेटिकुलम बन जाएगा क्रोमेटिन जाल बन जाएगा एक क्लियर ठीक है तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो कंडेंस क्रोमेटिन है जो संघनित क्रोमेटिन है वही क्रोमोसोम है या ऐसा बोले हम कि जो डीकंड क्रोमोसोम है जो विसंगणित या डी क्रोमोसोम है वो क्या होता है वो होता है क्रोमेटिन होता है ठीक है तो

तो कुल मिलाकर बात यह कि प्रोटीन और डीएनए मिलकर जो है वो ऐसे धागे बनाते हैं जिनको हम जो है वो माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं और यह कहलाते हैं बेटा क्रोमेटिन थ्रेड कहलाते हैं और ये क्रोमेटिन थ्रेड ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं ठीक है फिर हमने बात किया था बेटा सेट क्रोमोसोम के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि सेट का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था साइने है ना सेट का फुल फॉर्म क्या था एसिड न्यूक्लिनिको इस पर हम और बात करेंगे अभी थोड़ी थोड़ी देर देर समय के बाद में जब क्रोमोसोम डिटेल में पढ़ेंगे तब इस पर भी बात करेंगे अभी इतना समझ लीजिए आप कि क्रोमोसोम में कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनका संबंध होता है जिनका रिलेशनशिप होता है किससे बेटा न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करने पर तो हमने क्या कहा था हमने सेकेंड हेनरी कॉन्स्टिट्यूशन को नॉर कहा था नॉर का मतलब था न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन उसके नीचे एक हिस्सा प्रेजेंट था क्रोमोसोम का इसको हमने ट्रेवेंट कहा था सैटेलाइट कहा था और इससे डीएनए बाहर निकलता है और उस डीएनए पर राइबोसोमल आरएनए बनते हैं प्रोटीन जमा होते हैं और वहां पे बन जाता है न्यूक्लियोलस ठीक है चल अब एनसीईआरटी के अनुसार आगे बढ़ते हैं यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस आप देखो बेटा यहां पे एक वर्ड आया इंटरफेस न्यूक्लियस तो मैंने आपको बताया था मैंने कहा था इंटर मतलब दो के बीच में इंट्रा मतलब एक के अंदर एक्स्ट्रा मतलब बाहर बायोलॉजी में कुछ वर्ड ऐसे जो कभी नहीं भूलना एक्स्ट्रा मतलब बाहर इंट्रा मतलब अंदर इंटर मतलब दो के बीच में ठीक है क्लियर तो मैंने क्या कहा आपसे कि दो अवस्थाओं के बीच वाले अब कौन सी दो अवस्थाओं मतलब मैंने कहा एक डिवीजन फेज सेल डिवाइड किया डिविजन फेज़ ठीक है फिर डिवीज़न फेज़ ठीक है इन दोनों के बीच में एक अवस्था होगी जिसमें क्या होगा जिसमें होगा ग्रोथ विभाजन के पहले तैयारी करना पड़ेगा ठीक है मतलब ग्रोथ करना पड़ेगा तब तो सेल दोबारा डिवाइड करेगी और इसी अवस्था को क्या बोला हमने इंटरफेस का हमने तो इंटरफेस क्या होती है दो डिवीजन के बीच वाली अवस्था होती है इट इज में मिलने वाली फेज होती है दैट इज प्राइमरली कंसर्न ग्रोथ ऑफ द सेल जिसका संबंध सेल की ग्रोथ से होता है क्योंकि जब सेल ग्रो करेगी तभी तो वो डिवाइड करेगी ठीक है तो इंटरफेस का मतलब समझ में हमको ठीक है यहां पर हमें एक लूज इंडिस्टिंग नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन इंटरफेस के न्यूक्लियस में क्या देखने मिलता है आपको मैंने आपको कहा था इंटरफेस के न्यूक्लियस में जो है वो क्रोमेटिन बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है जाहिर सी बात है बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैंने आपसे कहा कि हम जो है वो बिल्कुल सिंपल सा इंफॉर्मेशन मेरे पास, मेरे पास है, है मेरे पास देखिए समझना बेटा जो जो समझाने कोशिश ये एक है इमेजिन करते हैं कि ये जो आप पे, 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 पेपर देख रहे हैं ये क्या है बेटा इस पर जो लिख जो है ये डीएनए है और डीएनए में ये जीन है सूचना लिखी हुई, हुई है इस पर ठीक है ना इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ठीक है अब जब मुझे जब मुझे इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है इमेजिन कर जब इस मुझे इस

छोटा सा हो गया कंडस हो गया क्या हो गया रॉड सेप दिख रहा है आपको क्या आप इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ पाएंगे बताइए मुझे आप क्या आप इसको पढ़ पाएंगे आप इसको नहीं पढ़ सकते क्योंकि सब लिखा हुआ अंदर चला गया है इसके तो कुछ भी बाहर नहीं दिख रहा है कुछ भी ओपन नहीं है क्या आप इसे पढ़ पाएंगे आप इसे नहीं पढ़ पाएंगे तो ये क्या हो गया ये क्रोमोसोम है क्या क्रोमोसोम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बाहर दे पाएगा क्रोमोसोम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं दे पाएगा केवल केवल क्रोमोसोम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बाहर कब दे पाएगा जब उसे आप खोल दोगे तब दे पाएगा अदरवाइज वो नहीं दे पाएगा तो मैंने क्या कहा जब मैं क्रोमोसोम वर्ड मेरी बात ध्यान सुनेगा जब मैं क्रोमोसोम वर्ड यूज करता हूं तब इसका मतलब यह होता है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि क्रोमेटिन थ्रेड को हमने पूरी तरीके से कंडेंस कर दिया है और छोटे से छोटा पॉसिबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया है यह हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है ठीक है यह है क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड करेगी ना तो आसानी से अलग अलग हिस्सों में इसको भेज सके आसानी से डिवाइड कर सके इसलिए इसको हमने कंडेंस कर दिया इसको हमने इसको इसलिए हमने कंडेंस कर दिया ठीक है अब हम बड़ी आ, सिंपल सी हम बात करते हैं बेटा कि मैंने आपसे कहा कि यदि हम हटके हमारे पास एक नैपकिन हटके ठीक है इस नेपकिन को हमें दो हिस्सों में काटना है काटना है मान लो उठ के तो अब आपके पास तरीका क्या है तरीका नंबर एक तो कि आप आपसे को प्रैक्टिकल बता रहा हूं तरीका नंबर एक है, कि आपने ऐसा पकड़ा आपने और यहां से आपने कैंची से काटना शुरू कर दिया क्या आपका आपको क्या लगता है यदि मैं ऐसे नेपकिन काटूंगा तो क्या दोनों हिस्से बराबर कट जाएंगे गलती नहीं होगी यहां पर आप बोलोगे सर आप चूंकि नेपककिन को ऐसे पकड़ के काट रहे हैं ना तो आपसे गलती हो सकती है थोड़ा भी हिलाना है तो थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है तो क्या तरीका है आपने मम्मी को कभी कपड़ा काटते देखा है आपकी मम्मी को देखिए कपड़ा काटते आपने भी काटा होगा कभी ना कभी ऐसे फोल्ड करती मम्मी बोलते

सीधा काटोगे तो गलती कर बैठोगे ये क्या था कंडेंस फॉर्म और अच्छे से काटना है ऐसे कर लो कंडेंस अब काटो आप कैची से तो बिल्कुल एक बराबर कटेगा कोई गलती नहीं होगी यहां पे मतलब ये कि यदि क्रोमेटिन इसको बांटना है तो कंडेंस करना पड़ेगा जैसे सर मैंने नैपकिन कंडेंस किया वैसा आपको कंडेंस उसे करना पड़ेगा क्लियर तो देखो समझो बात को क्योंकि देखो लिखा हुआ पढ़ के रटके काम नहीं बनेगा हमें समझना पड़ेगा पहले क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में क्या संबंध है तो हमने कहा कि देखो भाई ये कंडेंस कर दिया अब मैं इसको काट दूंगा ना तो दो बराबर हिस्सों में पेपर कट जाएगा अटके पक्की बात अटके तो मतलब ये कंडेंस क्रोमोसोम है। लेकिन जब इंटरफेस थी तो इंटरफेस में क्या हुआ इंटरफेस में कहा गया ग्रोथ करो भैया ग्रोथ करो ग्रोथ करो मतलब प्रोटीन बनाओ प्रोटीन बनाओ तो सूचना कहां से आएगी डीएनए से आएगी डीएनए कैसा बोलता भैया ये तो कंडेंस है क्या करो इसको खोलते चलो खोल लिया इसको हमने खोल लिया हमने देखिए हाँ, ये खुल गया पूरा जीन खुल गई सूचना ये बन गया क्रोमेटीन थ्रेड पढ़ सकते हैं पूरा क्या लिखा है यहां पर चलो पढ़ लेता हूं द क्रॉस ओवर परसेंटेज बिटवीन लिंक जे एंड एम के बीच ट्वेंटी परसेंट नहीं समझ में आया वो हम समझ लेंगे बाद में ठीक है बाद में पढ़ेंगे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है ये है ना जो 2020 वाला बैच है उसके लिए एक पेपर एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे सीरीज में उसका पेपर है, तो हमने क्या देखा हमने देखा कि हमें एक क्वेश्चन ये है एक क्वेश्चन ये है एक क्वेश्चन ये है पूरा पूरा समझ में आ रहा है मतलब सेल को जो जो प्रोटीन बनाने हैं वो सारे डीएनए के जीन दिखाई पड़ रहे हैं अपने अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे काम हो जाएगा ठीक है ये इंटरफेस में तो इंटरफेस में आपको क्रोमेटिन रेटिकुलम दिखाई पड़ेगा क्रोमेटिन थ्रेड दिखाई पड़ेगा लेकिन जैसे इंटरफेस हो, हो गया अब क्या करना है अब अब डिवाइड डिवाइड करना है फिर से करो कंडेंस इसको डिवाइड करना है कंडेंस कर दिया हमने हमने कंडेंस कंडेंस कर कर दिया दिया इसको पूरी तरीके से और हमने कहा कि हो गया काम बन गया क्रोमोसोम क्या बन गया क्रोमोसोम कब दिखाई पड़ेगा सेल डिवीजन के समय दिखाई पड़ेगा और इंटरफेज में क्या दिखाई पड़ेगा क्रोमेटिन थ्रेड दिखाई पड़ेगा ठीक है बात समझ में हमको आई क्लियर बस एकदम हम पूरी साल भर यही सोचते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है क्रोमोटिन क्या होता है कुछ अलग अलग होता होगा अरे कोई अलग अलग नहीं होता वही होता है ठीक है चलिए तो देखते हैं क्या लिखा हाँ क्या बोल रहा है आप पढ़ते हैं हम में लिखा है कि यू में रिकॉल दैट इंटरफेस न्यूक्लियस हैज लूज इंडिस्टिंग नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइवर क्रोमेटिन क्रोमेटीन डीएनए प्लस हिस्ट्रोन प्रोटीन से बना होता है और इसमें के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं पर मेन प्रोटीन क्या होता है वो होता है प्रोटीन बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिविजन परंतु कोशी का विभाजन की अन्य अवस्थाओं के दौरान दि सेल शोज स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम इन प्लेस ऑफ द्यूक्लियस

जो क्रोमेटिन का सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन ठीक है दी आदि मेन कंपोनेंट इसके अलावा आपको कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन देखने मिल सकते हैं कुछ आर देखने मिल सकता है जो कि एडिशनल होता है सपोर्टिव होता है लेकिन यदि डीएनए और हिस्टोन ना हो तो क्रोमेटिन नहीं बन सकता है ठीक है ना तो मेन प्रोटीन क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए के तो अलग अलग ऑप्शन आएगा बेटा तो आपको ध्यान रखना है आपको कि डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर क्रोमेटिन फॉर्मेशन इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन और जो है वो आरएनए भी वहां पर प्रेजेंट हो सकता है ठीक है नासीआर में लिखा है सम नॉन प्रोटीन एंड ऑल्सो आर एन ए सिंगल ह्यूमन सेल दो मीटर के आसपास लंबा जो है वो आ, क्या होता है, दो के आसपास लंबा जो है वो आ, आपका डीएनए होता है जो जो टोटल फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम में बेटा होता है के सारे के सारे फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम को आप जो है वो जोड़ ले आपस में तो उनको उन क्रोमोसोम का टोटल डीएनए होगा एक सेल के अंदर माइक्रोस्कोपिक सेल है इसको माइक्रोस्कोप से देख पाओगे उस सेल के अंदर दो मीटर लंबा डीएनए मिलेगा आपको पता है हमारा डीएनए सब जोड़ दे यदि हम अपना पूरा डीएनए जोड़ देना हम अपना यानी ह्यूमंस का यदि पूरा डीएनए आप जोड़ देना तो इतना लंबा डीएनए है कि यहां से चांद तक जाएंगे चांद को ढाई बार लपेटेंगे कितनी बार ढाई बार चांद को लपेटेंगे डीएनए लेके वापस आएंगे जमीन पर मतलब इतना डीएनए है एक आदमी की सारी सेल्स को जोड़ लोगे आप तो चांद तक जाके चांद को लपेट के नीचे डीएनए वापस ले आओगे एक मैंने बताया लेकिन कल्पना मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना बड़ा डीएनए एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ठीक है ठीक अब एवरी क्रोमोजोम विजिबल ओनली इन डिटेन कहा ना क्रोमोजोम कब दिखाई पड़ते हैं केवल डिवाइडिंग सेल में दिखाई पड़ते हैं एसेंशियली हैज ए प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन तो याद करो हमने बात किया था हमने कहा था क्रोमोसोम में आर्म होती है

प्राइमरी बेटा हम, हम देख रहे हैं बिता? हम है ये ये सेंट्रोम है, को बड़ा करके सेंट्रोमेयर को, को देखते हैं हम तो हमें सेंट्रोम ऐसा, ऐसा दिखाई पड़ता है हमें सेंट्रोमियर ऐसा दिखाई पड़ता है इसमें हमको हमें कुछ प्रोटीन की ऐसी प्लेट दिखाई पड़ती है प्रोटीन की ऐसी प्लेट दिखाई पड़ती है ये सेंट्रोमियर है हमने कहा ये सेंट्रोमियर है इस में आपको दोनों तरफ, दोनों तरफ जो जो हिस्से पे आपको प्रोटीन की प्लेट दिखाई पड़ती है और जगह होती है जहां पर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से आके जुड़ता है अपनी ताकत लगाता है अपना फोर्स लगाता है और क्रोमोसोम को दो हिस्सों में डिवाइड करने में रोल प्ले करता है ठीक है तो क्या लिखा हुआ है हर एक क्रोमोसोम जो कि आपको डिवाइडिंग सेल के अंदर दिखाई पड़ता है उसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिसे हम भी कहते हैं उसके साइड में किनारों पर जो है आपको डिस्क के समान तस्तरी या डिस्क के समान आपको आपको काइनेटोकोर काइनेटोकोर जो है है वो देखने मिलेगा, आपको, देखने मिलेगा मिलेगा ठीक और सेंट्रोमेर जो होता है क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटेड को जो है वो जोड़कर अब क्रोमेटेड क्या होता है देखो बेटा नॉर्मली जब भी सेल डिवाइड करेगी तो क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे ठीक ना तो नॉर्मल क्रोमोसोम एक नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसा होता है ठीक है इसमें ये आर्म है ये आर्म है इसमें ठीक है ना लेकिन चूंकि सेल डिवाइड करने के पहले अपना डीएनए डबल कर लेती है सेल डिवाइड करने के पहले अपना डीएनए डबल कर लेती है तो इस आर्म की एक कॉपी बनती है ठीक है इस आर्म की भी एक कॉपी बनती है ठीक है तो हमने क्या कहा हमने कहा कि असल में जो डिवाइडिंग सेल होती है उसके क्रोमोजोम में आपको क्या दिखाई पड़ता है आपको मूल क्रोमोजोम एक्चुअल क्रोमोजोम में एक ऐसा मान के चलते हैं बेटा कि एक क्रोमोजोम एक नॉर्मल क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक डीएनए होता है ठीक है एक डीएनए होता है उसके अंदर लेकिन चूंकि सेल जब डिवाइड करने वाली होती है तो अपने सारे चीजों को डबल कर लेती है तो वो अपने डीएनए को भी डबल कर लेती है तो डिवीजन के तो जैसे जब सेल डिवीजन करने आती है तब तो क्रोमोसोम में आपको दो डीएनए दिखाई पड़ते हैं और हमारा सेल डिवीजन का परपज यही है कि क्रोमोसोम को हम डिवाइड कर दें ताकि हर एक क्रोमोसोम में एक एक डीएनए वापस से आ जाए तो ये क्या है ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं ना दिस इज एक्चुअली द क्रोमोसोम बिफोर डिविजन विभाजन के पहले ने जब 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 क्रोमोसोम डिवाइड नहीं किया है तब आपको हर एक क्रोमोसोम में दो डीएनए दिखाई पड़ रहे हैं तो एक्चुअल क्रोमोज़ोम जो है वो एक क्रोमेटिड है ठीक है न मैंने क्या कहा ये आधा हिस्सा इसका लॉन्गिटुडल आधा हिस्से को हमने एक क्रोमेटिड कहा हमने और ये हिस्सा इसका जो है वो दूसरा क्रोमेटिड हो गया इसका ये ठीक है है ना और हमारा पर्पज क्या है हमारा पर्पज ये है कि इसको हम यहां से दो हिस्सों में काट दें इसको हम इसको हम रेड रेड लगाए हमने हमने हमारा पर्पज ये यह है कि यहां पे काइनेटोकोर प्रेजेंट है काइनेटोकोर प्रेजेंट है स्पिंडल फाइबर आने वाले समय में स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा इससे और इसको ये इधर खींचेगा इसको ये इधर खींचेगा और पर्पज ये है कि सेंटोमेर को दो हिस्सों में हम तोड़ दें तोड़ दें इसको हम दो हिस्सों में तोड़ दें ताकि दो क्रोमोसोम वाले बन जाए। ये हमारा पर्पस है। पूरे तोड़ दो टेक्निकल डिस्टरबेंस हुआ कैमरा सडनली मेरा ऑफ हो गया तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि असल में जो पूरे सेल डिवीजन का बेटा पर्पस क्या है पर्पस ये है कि क्रोमोसोम को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दो आपके तो इसीलिए देखो अब समझो मेरी बात करके कैसे समझेंगे इस बात को मैंने आपसे कहा बेटा कि एक नॉर्मल क्रोमोसोम एक नॉर्मल क्रोमोसोम में क्या होता है एक नॉर्मल क्रोमोसोम में मैंने कहा ये ये सेंट्रोमियर है है ठीक इसमें आर में ये इसमें आर में ठीक है ना नॉर्मल क्रोमोसोम में ठीक है ऐसा होता है लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो सेल के सारे कंपोनेंट अपने आप को डबल करते हैं तो वैसे में क्रोमोसोम का डीएनए भी अपने आप को डबल करता है ठीक है ये डबल हो गया डबल तो ये बन गया ऐसा क्रोमोसोम जिसको हमें डिवाइड करना है डिवाइड कैसे करना है हमें हमें इसके इस सेंट्रोमेयर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है यहां पर स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा यहां पर स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा खींचेगा इसको और सेंट्रोमेयर को दो हिस्सों में वो डिवाइड कर देगा अब ये सब कैसे होता है उसको हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ेंगे अभी इतना हम समझ गए कि हमें याद रखना है क्रोमेटेड शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं हम तो इसका मतलब होता है कि एक क्रोमोजोम सेल डिविजन की वो अवस्था होती है जिसमें क्रोमोसोम हमको साफ साफ दिखाई पड़ते हैं और हर एक क्रोमोजोम में हमको दो क्रोमेटेड दिखाई पड़ते हैं और हमारा पर्पज यही होता है कि क्रोमेटेड को अलग अलग कर दो ताकि एक्चुअल क्रोमोजोम बन जाए ठीक है देखिए आपके सामने एनसीआरटी का इमेज है बेटा इंपॉर्टेंट इमेज है कि ये, देख रहे हैं आप आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा क्या दिखाई पड़ रहा है क्रोमोसोम देख रहे हैं आप क्रोमोसोम में क्या देख रहे हैं बेटा क्रोमोसोम में आप देख रहे हैं कि आपको जो है वो ये जो हिस्सा है के ये क्या है ये हिस्सा जो है यहां पे लेवलिंग नहीं है हमने बोला इसको ये है सेंट्रोमियर ये सेंट्रोमियर है या इसको बोल सकते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ठीक है ये क्या है बेटा ये आर्म्स है इसकी ये इसकी भुजाएं हैं इसकी यह क्रोमोसोम की ये आर्म्स है ठीक है फिर जो क्रोमोसोम का लंबत आधा भाग है जो लॉन्ग जो इसका लॉन्ग मैंने कहा ना जो लॉन्ग हाफ पार्ट है इसका ठीक है ये मैंने कहा जो लॉन्ग हाफ पार्ट इसका है इसे क्या बोला हमने इसको हमने बोला क्रोमेटेड एक क्रोमेटेड बोला हमने तो एक एक, एक, ले, एक लेफ्ट साइड का हो का हो गया गया राइट साइड का तो टोटल दो क्रोमेटेड दिखाई पड़ रहे हैं और आप देख रहे हो सेंट्रो पे आपको जो ग्रीन धब्बा बना हुआ है वो क्या है वो काइनेटोकोर है काइनेटोकोर वो, वो जगह होती है जहां पर काइनेटोकोर वो जगह होती है जहां पर की स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेंगे यहां पर स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेंगे क्रोमोसोम को डिवाइड करने में ये रोल प्ले करेंगे ठीक है ना क्लियर बेस्ड ऑन द दोजीशन ऑफ द द सेंट्रोमियर आर देंट्रोमियर द्रोमोसोम इन टू फोर टाइप के सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम को चार भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं ठीक है अब समझो बात को देखो बेटा हमें पता है कि हर एक क्रोमोसोम में जो है वो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है और आर्म्स प्रेजेंट है उसमें के तो देखो चार तरीके से कैसे हो सकता है इसमें एक तो वे एक तो वे क्रोमोसोम जिनमें की सेंट्रो जिनमें कि सेंट्रोमियर ठीक बीच में दोनों आ दोनों आर्म जो है वो दोनों तरफ की आर्म जो है वो बराबर हो ठीक बीच में ठीक एक्जेक्टली मिडिल पोजीशन के हमने कहा दोनों आर्म जो है एकदम बराबर हैं तो हमने क्या बोला हमने बोल दिया इसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोला इसको हमने ठीक क्लियर दूसरे क्रोमोजोम ऐसे होंगे बेटा जिसमें कि ये ये सेंट्रोमेर है एक आर्म जो है इसकी इसकी एक आर्म जो है वो बड़ी है इसकी और एक आर्म थोड़ी सी छोटी है मतलब एक्जेक्ट नॉट एक्जेक्टली इन मिडिल पोजिशन ठीक है बीच वाली पोजिशन थोड़ा एक आर्म दोनों आर्म के बीच में स्लाइड डिफरेंस प्रेजेंट है मामूली सा अंतर प्रेजेंट है ये कहता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम इसको हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम बोलेंगे फिर

सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं हम ऐसा क्रोमोसोम देख रहे हैं बेटा जिस क्रोमोसोम में ठीक बीचों बीच सेंट्रो में प्रेजेंट है दिस इज दी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ये क्या है बेटा ये है मेटासेंट्रिक है, थीक है? थीक बीच में सेंट्रोमेर उसको है। है? जिसमें एक आर्म काफी छोटी है और एक काफी बड़ी है और आर्म डिफरेंस काफी अधिक है वो कहलाया एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम बोला उसको, बुला उसको है के। और जिसमें केवल एक ही आर्म है बेटा उसे क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे केवल लॉन्ग आर्म है छोटी आर्म जो है नेग्लिजिबल है उसको बोलते हैं

Clear? पहले हम एनसीआर में क्या लिखा उसको देखेंगे और फिर थोड़ा सा में क्या होता है में में बीच में उससे थोड़ा ऊपर या नीचे होगा तो एक आर्म थोड़ा बड़ा होगा और एक थोड़ा सा छोटा होगा तो मतलब ये कि एक, आर्म होगा, एक बड़ा आर्म होगा तो अंतर जो है जो आर्म डिफरेंस मिनिमम जो भुजाओं का अंतर है वो न्यूनतम होगा कम से कम होगा वो ठीक है जबकि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम में क्या होगा सेंट्रोमेर एक सिरे के पास पहुंच जाएगा तो एक आर्म काफी छोटी होगी एक काफी बड़ी होगी मतलब आर्म डिफरेंस इज नॉट मिनिमम इट इज दी मैक्सिमम एंड आर्म डिफरेंस भुजा का अंतर जो है वो अधिकतम होता है ठीक है जबकि टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमेर सिरे पर होता है टॉप पे होता है तो याद रखिए कोई पूछता आपसे सब टर्मिनल सेंट्रोमेर किसमें होता है उपसीर्स, सब टर्मिनल सेंट्रोमेर सिरे के पास सेंट्रोमेर किसमें होता है तो सिरे के पास सेंट्रोमेर किसमें होता है बेटा सिरे के पास सेंट्रोमे होता है एक्रोसेंट्रिक में ठीके? और सिरे पर किसमें होता है टीलोसेंट्रिक में ठीक है समटाइम एफ यू क्रोमोजोम हैव ए नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन

अब ये तो बात की हमने एनसीआर का एनसीआर टी में क्या लिखा तो एक बात हम समझ गए कि एनसीआरटी ने जो जो बातें लिखी है वो सब सिलेबस के समान है आप थोड़ा सा अंदर जाके बात करते हैं इसमें क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम एनसीआरटी को इसलिए मैंने कहा ना आपको दो तरीके से बेटा मैं पढ़ाता हूँ एक में पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी दिखाता हूँ कई बार मैं एनसीईआरटी दिखा के फिर डिटेल में पढ़ाता आगे ताकि आपको ये समझ में बात आ जाए कि जो एनसीईआरटी में लिखा है वो ये लिखा है इसके बाद ही इसको अंदर जाके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिशन में हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट बेटा करना पड़ता है हालांकि आप में से कई लोगों के दिमाग में जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत सारे डाउट है क्लियर कर दू मैं अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका फाइनल बिल पास हो चुका है लेकिन उसको इंप्लीमेंट कब से गवर्नमेंट कर रही है किस सेशन से कर रही है ये सब चीज़ें जो है वो अभी क्लियर नहीं है दूसरी बात यह कि इसका असर नीट पे जेई पे कितना पड़ेगा आईआईटी पे कितना असर पड़ेगा आईआईटी आई टी जेई पर और नीट पे ये भी अभी कहना जल्दबाजी है तो ऐसे फालतू के वीडियो जिसमें कि लोग यूट्यूबर जो है वो केवल अपना ज्ञान दे रहे हैं बैठ के अपने मन मन सेट के उस पर ट्रस्ट मत कीजिए बेटा क्योंकि आपसे हम लोगों से बहुत ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो सब डिसाइड कर रहे हैं हमको केवल

हमको क्या मिल रहा है क्या हमारे फायदे का है क्या चीजें ऐसी हैं जो हमको अफेक्ट कर बहुत सारा बट मत अभी जो पढ़ रहे आपका समय खराब करेंगे और इन समय खराब होने से क्या प्रॉब्लम होती है फिर ये होता है कि लॉन्ग टर्म में हमको लगता है यार कि ये तो बतलब हमने बतलब समय बर्बाद कर दिया है तो हमने ठीक है है ना तो वो नहीं कर क्योंकि देखो क्या होता है टाइम एक बार चला गया तो लौट के नहीं आता वो इसलिए अभी कह रहा हूं आपसे कि आप सिर्फ आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है जो कोर्स अच्छे से पढ़ना है भाई क्या करेंगे आपको क्या थोड़ा कोर्स कम करेंगे बढ़ा देंगे यही तो होगा और उससे क्या था क्या होगा और अभी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये कोर्स बढ़ाने पर फोकस नहीं करती कोर्स कम करने पर फोकस करती ठीक है मैं मेरे से यदि आप पूछेंगे एक एजुकेशनिस्ट के रूप में मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा कि हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में कुछ फॉल्ट तो थे ऑलरेडी लेकिन वो फॉल्ट को आपने कितना दूर किया ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैं एक बात आपको बोलूँगा कि मुझे सबसे बड़ी शिकायत जो नए बिल से जो है जो जो मैंने अभी तक देखा वो सबसे बड़ी शिकायत यदि आप मुझसे पूछेंगे वो ये है कि आई वॉन्ट हायर एजुकेशन टू बी के मैं बिल्कुल भी मैं इस बात का सख्त विरोध करता हूं कि गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज आज डेढ़ डेढ़ लाख रुपए फीस ले रहे हैं कई स्टेट में कई राज्य हैं कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर अस्सी हजार रुपए साल का फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है बच्चा इतना मेहनत करता है मेरिट में रैंक लेके आया फिर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया मैं एम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं यूसीमएस की बात नहीं कर रहा टॉप के दस पंद्रह इंस्टीट्यूट को छोड़ दो आप बाकी भी तो गवर्नमेंट कॉलेज है भाई वहाँ फीस कहीं साठ हज़ार फीस है कहीं अस्सी हज़ार फीस है कहीं एक लाख फीस है अभी उत्तराखंड का न्यूज़ आ रहा है कि फीस को बढ़ा के उन्होंने सीधा जो है वो तीन लाख कर दिया किसी ने चार लाख फीस कर दिया तो ये चीज़ें ठीक नहीं है एक्चुअली हायर एजुकेशन जो है टैलेंटेड बच्चे को जो मेधावी छात्र हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो अच्छे कॉम्पिटिशन को फेस करके वहां पहुंच रहे हैं ना उनके लिए फ़ीस एकदम अफोर्डेबल बल्कि मैं कहता हूं शिक्षा ऑलमोस्ट निशुल्क होना चाहिए हायर लेवल पे हमारा देश अभी अमेरिका जैसा विकसित देश नहीं है हम अब उसके बराबर डेवलप्ड कंट्री नहीं है हम डेवलपिंग कंट्री हैं हमारी सरकार को इंसानों में खर्च करना पड़ेगा शिक्षा को आप कॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं शिक्षा को आपको पब्लिक अफेयर रखना पड़ेगा अभी ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके क्योंकि टैलेंट को यदि हम नर्चर नहीं करेंगे क्या लगता है लोगों को कि जो गांव के अंदर जो बच्चे बैठे हैं क्या उनमें टैलेंट नहीं है मैं बता रहा हूं आपको कि उनके अंदर से ही अब्दुल कलाम निकलेंगे उनके अंदर से ही जो है वो होमी जहांगीर भाभा निकलेंगे उनके अंदर से ही हरगोविंद खुराना निकलेंगे वो जो गाँव के अंदर बच्चे बैठे हैं ना उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते उनको गरीब से गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुंचना चाहिए गरीब से गरीब बच्चे तक जिसके पास रिसोर्स नहीं है उसके पास में भी हायर एजुकेशन के सपने देखने का उसे साकार करने का अधिकार होना चाहिए मैं बात करूंगा आपसे इस बारे में डिटेल में अभी चलो मुद्दे से नहीं भटकते हम बहुत जल्दी में हैं अमेरिका बनने के लिए हम बहुत जल्दी में हैं हाँ, जब तक हमारे हर हिंदुस्तानी को एक बेहतर जीवन यापन नहीं मिल जाता है ना बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की संख्या एकदम नील नहीं हो जाती है हमें बहुत सारा बेरोजगारी भत्ता गरीबी भत्ता और ये जो तमाम अनाज फ्री बांटना ये सब जो है वो ये सब पे डिपेंडेंट लोग कम होने लगेंगे ना जब तब हम सच्चे अर्थों में तरक्की करेंगे ठीक है तो बात इतनी सी कि मुट्ठी भर लोगों लोग, का लोग के लिए नहीं सोचना है इस देश में आपको इस मुट्ठी के अलावा जो भरा पड़ा है ना उसके लिए भी सोचना होता है चलिए तो अभी बात करते हैं हम क्रोमेटिन रेटिकुलम पे बात करते हैं क्या होता है अब देखो अब बिल्कुल हम तरीके से बात करेंगे कि क्रोमेटिन रेटिकुलम जो है हमसे क्या कहता है वो कहता है आपसे कि भैया आप पहले तो कुछ चीजों के, के बारे में फैक्ट पता कर लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है

बट द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोस टू स्ट्रास बर्दर इन एटीन सेवनटी फाइव के परंतु क्रोमोसोम की खोज का श्रेय स्ट्रास बर्दर को दिया जाता है टर्म क्रोमोसोम प्रपोज बाय वॉल्डियर क्रोमोसोम शब्द को वॉल्डेयर ने दिया टर्म क्रोमोसोम प्रपोज बाय वॉल्डियर क्रोमोसोम शब्द को किसने दिया बेटा वॉल्डियर ने दिया क्लियर Hello. Sorry to disturb you in between the lecture. But it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. Rock's first time indicated the chromosome are the mirror of healthy character. रॉक्स ने पहली बार बताया कि रॉक्स ने पहली बार बताया कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम वंशागति लक्षणों को धारण करते हैं मतलब जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो करेक्टर जाते हैं उनको हम हेरिटिक वंशागति लक्षण बोलते हैं है, उन्हें हम जेनेटिक करेक्टर कहते हैं जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पहुंचते हैं तो वो करेक्टर क्रोमोसोम पर होते हैं यह पहली बार रॉक्स ने बताया रॉक्स फर्स्ट टाइम इंडिकेटेड दैट क्रोमोसोम आर द बीर ऑफ हेरिटी करेक्टर टन एंड बॉबेरी प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ एनरिटेंस वेरी वेरी आई एम पी सटन और बॉबे ने वंशागति की गुणसूत्र अवधारणा को प्रस्तुत किया सटन एंड प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ एनहरिटेंस सटन एंड बॉबरी ने वंशागति की गुणसूत्र अवधारणा को प्रस्तुत किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ एनहरिटेंस को दिया ठीक आप देखो बेटा

वेजिटेटिव सेल में या सोमेटिक सेल में जो है क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं बेटा और इसको हम टू एन से डिनोट करते हैं हम के और इसको हम डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कहते हैं तो टू एन का मतलब है क्रोमोसोम नंबर क्लियर ठीक है अब इंटरेस्टिंग बात है यहां पर एक बड़ा जो है जो है वो आ, पुराना क्वेश्चन है जो एग्जाम में सात या आठ बार आया कितनी बार आया वो सेवन या एट टाइम आया वो ये है कि गेहूं किस तरह की फसल है आंसर उसका आता है है वैरायटी वैरायटी ट्रिटिकम एस्टेवम इज आप समझ नहीं पाते कई बार कि क्या मतलब है का दरअसल क्या होता है बेटा एक कॉन्सेप्ट बायोलॉजी बायो में एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हम कहते हैं देखिए हमें मालूम है बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम का आपको हम जो है बेसिक नंबर के बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम एक्स से डिनोट करते हैं एक्स से डिनोट करते हैं इसका मतलब होता है कि जो प्रेजेंट क्रॉप है जो आज की फसल है उसके जो पूर्वज थे जिनसे वो क्रॉप डेवलप हुई है उन पूर्वज में कितने क्रोमोसोम थे वो ठीक है तो हमने कहा कि ट्रिटिकम जो जो ट्रिटिकम मोनो को कम किए हम बात करें यहां पे तो हम कहते हैं टू तो है, तो एन इक्वल उस के, उसमें डिप्लाइड क्रोमोसोम नंबर 14 था मतलब जो ट्रिटिकम मोनोकोकम है ट्रिटिकम समझो बेटा बात करके हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम क्या है ये पूर्वज है ये वो गेहूं की वैरायटी है ये वो घास की वैरायटी है जिससे आज का गेहूं बना है ठीक है मान गए इस बात को हमने कहा ट्रिटिकम मोनोकोकम ये वो ग्रास वैरायटी है ये वो गेहूं की फसल है जिसमें 2n 14 था इससे आज की वैरायटी बनी है पर कैसे बनी है हुआ ये है कि

उसमें फोर्टी टू क्रोमोजोम प्रेजेंट उसमें ठीक है फोर्टी टू क्रोमोजोम प्रेजेंट में और फोर्टी टू क्रोमोजोम को देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो ऐसे लग रहा है हमको जैसे कि क्रोमोजोम का ही मल्टीप्लीकेशन है का ही है तो ये जो फोर्टी टू क्रोमोजोम है ना ये क्रोमोजोम जो है वो ऐसा नहीं है मैंने मैंने कहा कि आज की वैरायटी का टू एन आज की जो वैरायटी उसका है टू एन उसका है फोर्टी टू एन कितना हो गया ट्वेंटी वन तो आप बोलोगे सर आज की वैरायटी का एन तो ट्वेंटी वन है पहले वाली वैरायटी का एन कितना था 7 था सेवन तो हम मैं बोलूंगा बेटा ट्वेंटी वन तो है लेकिन गोर से देखो इसको आपको लगेगा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो मैंने क्या कहा आज की वरायटी को देखो आपको लगेगा कि अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि तीन सेट साथ एक्साप प्रेजेंट है

जो पुरानी वायी का वा, का जो एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम था उसके छे सेट हमारी आज की वेराइटी में प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं हम कहते हैं कि आज का हमारा जो गेहूं है वो हेक्साप्लाइड बीट है वो क्या है वो बीट है क्लियर हम जब ट्रिटिकम एस्टाइवम को हेग्जाप्लाइड वीट कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो प्राचीनतम वैरायटी थी जो प्रिमिटिव वैरायटी थी उसके क्रोमोसोम के सेट का सिक्स टाइम मल्टीपल इसमें प्रेजेंट है इसलिए इसको हमने हेग्जाप्लाइड वीट वैरायटी कहते हैं ठीक है क्लियर आई बात समझ में तो इसका मतलब यह हो गया कि कई सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीपल टाइम प्रेजेंट था यहां पर अब बात करते हैं

मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्लांट पौधों में सबसे कम संख्या में क्रोमोसोम आपको हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में देखने मिलता है आईएमपी है फैमिली कंपोजिटी का मेंबर है टू एन इक्वल टू फोर के एंड प्लांट प्लांट किंगडम की बात करें हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो सबसे कम क्रोमोसोम आपको देखने मिलेगा हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में जो कि क्या है बेटा फैमिली कंपोजिटी का मेंबर है टू एन होता है ठीक है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम मैंने यदि हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात करें अधिकतम क्रोमोसोम की बात करें तो वो हमको ऑफियोग्लोसोम रेटिकुलम में देखने मिलेगा बेटा जो कि टेरिडोफाइटा फर्न है ठीक है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमको जो है वो कहां देखने मिलेगा हमें ऑफियोग्लोसोम रेटिकुलम में देखने मिलेगा जो कि एक टेरिडोफाइटा है एक फर्नेट तो 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 के टू एन के NCRT में कहीं पर बेटा दोनों सही फिकर कि दोनों जो भी ऑप्शन में दोनों दो, सही, तो में सही ऑप्शन में आएगा ना तो के आप ये वाला लगा सही है ना ठीक है कई बार ऑप्शन में सेकंड वाला नहीं भी आता है फिर क्रोमेटिन वर्ड का मतलब क्या मैंने बताया कलर मटेरियल ठीक है क्योंकि इनको हम आसानी सिस्टम कर सकते क्वेश्चन है किससे स्टेनिंग कर सकते हैं टूल्स एंड टेक्निक में इस पर बात भी की हुई हमने कि क्रोमोसोम के स्टेन क्या होते हैं बेसिक फ्यूजन होता है किसने बताया था बेटा फ्यूजन और रोशन बेक ने बतलाया था इसके बारे में के और सेन हेमेटोजाइलॉन एसिटोकार्मीन जिम्सा स्टेन ये वो स्टेन होते हैं जिनसे क्रोमोसोम की हम स्टेनिंग कर सकते हैं जिनसे क्रोमोसोम की स्टेनिंग कर सकते हैं क्लियर देखिए ना ये हम देख रहे हैं किसका बेटा ये ये हमारा एनसीआरटी का इमेज देख रहे हैं हम ठीक है ना क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं आप हम फिर ठीक ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ साइकिल द क्रोमेटिन थ्रेड आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ़ नेटवर्क इस नेटवर्क को क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं okay. मैंने बताया आपको कि जब सेल साइकिल की इंटरफेज अवस्था होती है उस समय क्रोमो क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो जाल के रूप में होते हैं और इस जाल को क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं जब सेल डिविजन होता है सेल डिवाइड करती है माइक्रोटिक फेज में होती है क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो क्वाइल जाते हैं और

कंडेंस्ड फॉर्म दिखाई पड़ रहा है आपको और ये आप देख रहे हैं डिकंडेंस फॉर्म देख रहे हैं आपके तो सबसे पहले क्रोमोसोम को बनाने वाली जो इकाई है जो यूनिट है जिस यूनिट से क्रोमोसोम बनता है उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम को बनाने वाली इकाई को क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं देखिए कुछ हम देख रहे हैं फिगर देखा पे कि डीएनए मॉलिक्यूल की बात करें तो हर हमारी हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के ट्रिलियंस ऑफ सेल है बड़ी संख्या में सेल्स हमारे अरबों खरबों सेल हमारी बॉडी में है 46 सिक्स क्रोमोजोम हर एक सेल के अंदर है हर एक सेल में तकरीबन दो मीटर लंबा डीएनए होता है और डीएनए में जो है आपको तकरीबन थ्री बिलियन के आसपास आपको सब यूनिट देखने मिलती है एडनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिट होता है तकरीबन ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में थर्टी जीन होते हैं हमारी हमारी हर एक सेल के अंदर डीएनए में 30 जीन होते हैं जो हमारे प्रोटीन को कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे सेल को जो चला रहे होते हैं ठीक है अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बेटा हैमरलिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग किया पहले समझते क्या था प्रयोग वो हैमरलिंग ने एक काम बताया उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल है हैमरलिंग ने प्रूफ कर दिया इस बात को कि न्यूक्लियस पूरी की पूरी सेल पर कंट्रोल करता है और तो और इट कंट्रोल्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ दी सेल यानी सेल कैसी दिखेगी सेल का शेप कैसा होगा ये भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि न्यूक्लियस हैज इज हैविंग इंपैक्ट ऑन द साइटोप्लाज्मिक Of the क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था साइटोटल के अंदर जो माइक्रो ट्यूब्यूल होते हैं अपने आप को वो जब अरेंज करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही सेल का शेप होता है याद है हमने वो टेंट वाला एग्जांपल लिया था कि अलग अलग शेप के टेंट बनाने के लिए आप खंबे अल लगा कपड़ा बांध दोगे टेंट का शेप बदल जाएगा वैसे ही सेल का शेप स्टार शेप है कॉलमनर सेल है कैसी सेल है तो सेल का जो भी शेप होता है ना वो माइक्रो ट्यूब्यूल डिसाइड करते हैं और माइक्रो ट्यूब्यूल का अरेंजमेंट डीएनए डिसाइड करता है मतलब सेल की मॉर्फोलॉजी में कोई भी ऑर्गेनिज की मॉर्फोलॉजी में न्यूक्लियस का इंपेक्ट है हर सेल का जो शेप है वो न्यूक्लियस डिसाइड करता है मतलब न्यूक्लियस इज हैविंग इंपैक्ट ऑन द साइटोप्लाज्मिक अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोटिप्यूल तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप को प्रूफ किसने किया हैमरलिंग ने प्रूफ किया ठीक है और अब इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने क्या किया उन्होंने सबसे बड़ा यूनिसेल प्लांट इस्तेमाल किया सबसे बड़ा एक कोशी पौधा इस्तेमाल किया जिसका नाम था एसिटाबुलरिया ठीक है देखिए हैमरलिंग बिगिन ग्रोइंग एसिडोलेरिया जो कि एक ग्रीन एल्गी है एक प्लांट है है ग्रीन होती ठीक है सिंगल सेल्ड होती है इट्स अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी डिस्कवर्ड दैट द प्लांट हैड वन सेल प्लांट में एक सेल होती है द न्यूक्लियस वाज ऑलवेज लोकेटेड इन द राइजॉइड न्यूक्लियस हमेशा राइजॉइड निचले हिस्से में होता है इसमें और देखो अब सुनो पहले समझते हैं एल्गी कैसी थी ये जो पहले पीछे लिखा बाद बेटा ध्यान से ठीक है ना मैंने क्या कहा ये जो एसिटा बुलरिया एलगी होती है क्या होता है इसमें होता है क्राउन इसमें मैंने कहा ऊपर जो है ये क्राउन है मैंने कहा ये इसका क्राउन है ये ठीक है फिर एक हिस्सा ऐसा उसका ऐसा होता है है

में, में आप देख रहे हो कि जो आपको, पड़ रहा है, ना? ये आपको पड़ रहा है और ये आपको छतरी के समान दिखाई पड़ रहा है थाके? ये दोनों यूनिसाइड है मतलब ये मत सोचना की मल्टीसाइड ये सब एक ही कोशिका सेल से बना हुआ है और जो न्यूक्लियस है वो कहां पर है वो न्यूक्लियस जो है वो यहां प्रेजेंट है ठीक है और जो शेप ऑफ क्राउन है जो भी क्राउन का शेप है वो न्यूक्लियस जिसको जो, जो है वो कंट्रोल करता है कैसे पता लगाया इन्होंने इन्होंने एक काम किया इन्होंने एक काम किया इन्होंने इसको इसको काटा 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 यहां यहां से यहां से इसको टके, काट लिया टके। और इसको आपस में बदल दिया इसको उन्होंने इससे जोड़ दिया इसको उन्होंने इससे जोड़ दिया तो उन्होंने देखा कि जो शेप ऑफ क्राउन क्राउन का शेप क्राउन का शेप कौन कंट्रोल कर रहा है तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने बदल दिया इसको देखिए ये तो डिस्कार्ट ये तो उन्होंने काट के डिस्कार्ट ये तो इन्होंने डिस्कार्ट कर दिया कि अब क्या किया उन्होंने बदल दिया इन्होंने इसको डिस्कार्ट कर दिया ये ये उन्होंने डिस्कार्ट कर दिया और स्टॉक को उन्होंने राइजोइड से बदल दिया ना स्टॉक अलग अब क्या देखा उन्होंने इन्होंने देखा तो तो कि जब ध्यान से बात सुने करके जो एस्ट्रोलेटर था इसका स्टॉक कैसा था इसके स्टॉक इस पे जो क्राउन था वो स्टार शेप था इन्होंने क्या इसमें उन्होंने जो है स्टॉक जोड़ दिया मिल्टन का स्टॉक जोड़ दिया उन्होंने देखा इन्होंने इन्होंने देखा कि यहां पे जो क्राउन बना वो स्टार शेप बन गया ठीक है तो डिसाइड किसने किया कि कैसा क्राउन बनेगा वो इसने डिसाइड किया

सबसे बड़ा एक कुशी का वाला पौधा होता है देखिए ना देख ये सिंगल सेल है ये। ठीक है ये सब सिंगल सेल है इसका ये क्राउन है ना एक ही सेल है पूरा ये ठीक है इंफॉर्मेशन इन एसिटबरिया इज स्टोर्ड इन फुट ऑफ सेल वेयर के क्या बताया इन्होंने कहा कि जो भी शेप ऑफ क्राउन है

जो क्राउन का शेप है इट इज डिसाइडेड बाय द डिसाइडेड बाय दी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दाइजॉइड राइजॉइड में प्रेजेंट न्यूक्लियस क्राउन के शेप को डिसाइड करता है ये दिमाग में डाल लीजिए मतलब न्यूक्लियस इज द फिजिकल बेस ऑफ हेडिट्री अरे एक स्टेटमेंट सामने आए इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस इज दी फिजिकल ऑफ हैिट्री बताया कि नाभिकी का जो भौतिक आधार है uh, अनुवांशिकी का जो भौतिक आधार है अनुवांशिकी का जो भौतिक आधार है वो नाभिक है न्यूक्लियस इज दी फिजिकल बेस ऑफ है बतायालिंग ने न्यूक्लियोसाइटोप्लाजमिक रिलेशनशिप को प्रूव किया इन्होंने ठीक है इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस को बताया इन्होंने की वह सेल की मोर्फोलॉजी को कंट्रोल करता है ठीक है ऑल इन ऑल यू क्रट डि न्यूक्लियस कंटेंट डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोजोम और ये क्रोमोजोम डेफिनेट साइज और शेप के होते हैं ठीक है ब्रिक्स और किंग्स ने हैमरलिंग के प्रयोग को उन्होंने एनिमल में किया फ्रॉग में किया राना पाइपेंस क्या तो याद रखिए एम्स का, काफी पुराना एम्स का क्वेश्चन है पर कभी कभी ऐसे बहुत पुराने क्वेश्चन भी रिपीट कर लेते हैं तकरीबन आपसे टू थाउजेंड मतलब काफी पुराना क्वेश्चन ये लेकिन कभी कभी क्या होता है वही है ना कि कभी कभी कुछ कुछ कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो रिलेवेंट होती काफी पुरानी होती वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती है ठीक है तो दिमाग में रखिएगा इसको आप ठीक है ब्रिक्स और किंग्स ने हैमरलिंग के प्रयोग को फ्रॉग राना पाइपेंस में किया एनिमल्स में देखोगे तो लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर देखने मिलेगा आपको एस्करिस मैगेलोसिफिला में आपको टू एन इक्वल टू टू देखने मिलेगा लोएस्ट है टू एंड इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड हाइएस्ट आपको जो है वो एनिमल में देखने मिलेगा एक प्रोटोजोआ के अंदर जिसमें टू एन इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड होता है क्लियर ठीक है याद रखिएगा बेटा ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक इंफॉर्मेशन है दिमाग में रखिएगा बेटा एक्स्ट्रा इन्फो है दिमाग में रखिएगा कुछ यूक्रेटिक स्पर्म में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं उनकी जगह पर कुछ दूसरे प्रोटीन पाए जाते हैं उनको हम प्रोटामाइंस कहते हैं ठीक है कुछ यूक्रेटिक स्पर्म में जो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं उनकी जगह पर दूसरे प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको हम हिस्टामाइन कहते।, कहते हैं सॉरी तो जिनको हम क्या हिस्ट्रोप्रोटीन नहीं उनको हम क्या होते हैं प्रोटामाइंस नॉट हिस्टामाइन प्रोटामाइंस कहते हैं ठीक है अब कुछ क्रोमोसोम नंबर बेटा याद रखने पड़ेंगे दिमाग में ठीक ठीक है ड्रोसोफिला मोलेनोगस्टर ड्रोसोफिला मेलेनोगस्टर टू एन इक्वल टू एट याद रखना है इंपॉर्टेंट है बेटा के जो बता रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट के ड्रोसोफिला का कॉमन नेम होता है फ्रूट फ्लाई कॉमन नेम क्या होता है इसका फ्रूट फ्लाई ठीक है इस पर सबसे अधिक प्रयोग किए थे मॉर्गन ने साइंटिस्ट है मॉर्गन के उन्होंने इस पर लिंकेज को डिस्कवर किया था अब ये सब क्वेश्चन फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक होता है, होता है इसमें, ना और प्रयोग के लिंकेज को खोज निकाला मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई टू एंडल टू ट्वेल्व इट इज ए दी कैरियर फॉर ये कैरियर फॉर टाइफॉयड डिजीज के कई बीमारियों टाइफॉइड एंड कॉलराट के हैजात के

अब देखो कितना अच्छा है इसका नाम के, कई बॉटनी का नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं मैंने कहा टमाटर आप टमाटर का भी देखा टमाटर ऐसा होता है ठीक है ठीक है रेड है ऐसा है। तो इसमें लाइकोपीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेड कलर का ठीक है और यदि आप गोर से देखोगे तो आपको ये इसका जो जो ये ये वाला जो हिस्सा है ना ये आपको लेंस के यहाँ पे, लेंस के के समान समान दिखाई टमाटर का ऊपर हिस्सा जुड़ा होता है ना लेंस के समान दिखाई पड़ेगा एस्कुलेटम लेंस ठीक है ना तो ये लेंस के समान दिखाई पड़ता है तो हम बोलते हैं कि जो है वो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेटम के लाइकोपिन पिगमेंट प्रेजेंट है लेंस के समान दिखाई पड़ रहा है ऊपरी हिस्सा लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेटम टोमेटो के सोलोन ट्यूबरोसम बोलता है कि भैया मैं सोलोन फैमिली का मेंबर हूं ट्यूबर हूं ट्यूबर हूं पटेटो का क्या? सुलनम 2 48. हम देखते हैं, क्रोमोसोम में आपको एक सेंट्रोम दो आर्म देखने मिलेगी सेंट्रोम को हम प्राइमरी कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्टिक्शन भी कहते हैं ठीक है क्लियर कभी कभी कुछ क्रोमोजोम दूस क्रोमोजोम जिनमें आपको दो सेंट्रोमियर देखने मिलेंगे उन्हें हम बाईसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं बाईसेंट्रिक क्रोमोसोम आपको मक्का में देखने मिलेगा मेज में देखने मिलेगा ठीक है कभी कभी कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं इनमें आपको मैनी कई सेंट्रोमियर देखने मिलते हैं उनको हम पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं एक्चुअली इसमें सेंट्रोमियर कई सारे ना होकर सेंट्रोमियर डिफ्यूज होता है आप बोलोगे सर बात हमको समझ में नहीं आई जिससे मैंने कहा ये सेंट्रोमियर है ठीक है ये एक्चुअली एक ही सेंट्रोमेयर है जो कई हिस्सों में डिफ्यूज कर गया है और ये क्रोमोसोम की आर्म है ठीक ना तो क्या होता है कि जब कभी कभी क्या होता है कि डिफ्यूज ऐसा सेंट्रोमेर जो कई हिस्सों में टूट के डिफ्यूज होता है कई सारे सेंट्रोमेर के समान दिखाई पड़ता उसे है उसे पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं याद रखिएगा पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम को स्पाइर एल्गी में और एस्केरिस के अंदर हमको वो देखने मिलते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको तब बतलानी जब एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा आपसे ठीक है जब एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन करेगा तब आपको ये इंफॉर्मेशन बेटा बतलानी है समझ गए ना ठीक है फिर समटाइम ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट और म्यूटेशन दिसमेयर इज एबसेंट इन दी क्रोमोजोम ऐसे कभी कभी क्या होता है कोई रेडिएशन से आया सेंट्रोमियर खत्म हो गया टूट गया उसका तो वैसी कंडीशन में उस क्रोमोसोम में जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता उसे हम ए सेंट्रिक क्रोमोजोम कहते हैं और ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं क्योंकि ये सेल डिविजन में भाग नहीं ले सकते हैं। याद रखिएगा सेल डिविजन में भाग लेने वाले क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का होना जरूरी होता है यदि सेंट्रोमियर नहीं होगा तो क्रोमोसोम सेल डिविजन में भाग नहीं पाएगा क्योंकि क्रोमोसोम को पकड़ने के लिए जहां से क्रोमोसोम को पकड़ते हैं खींचते हैं वो हिस्सा ही होता है ठीक है उस पर काइनेटोकोर पाए जाते हैं जिस पर जो है स्पिडल आकर जुड़ते हैं ठीक है देखिए ध्यान से

टेलोमेयर क्या होते हैं बेटा दीज आर द क्रोमोसोमल एंड क्रोमोसोम के सिरे होते हैं जहां पे क्रोमोसोम जो है वो सील होते हैं अपने एंड जो क्रोमोसोमल आर्म जो होती है उसका जो सिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं टेलोमेयर कहते हैं ठीक है ठीक है देखिए ना आप देख रहे हैं ये एक क्रोमेटिड हो गया बेटा ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं और सेंट्रोमियर पे ये जुड़े होते हैं आपस में है ना ठीक है और मैंने कहा आपसे कि देखिए देखिए आप कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं सिस्टर कोमेटेड सिस्टर कोमेटेड और एक सेट है क्रोमोसोम का एक सेट मदर्स फादर से आया और एक मदर से आया मान लो ठीक है मतलब हम सब में क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं और जैसे क्रोमोसोम नंबर वन है उसका एक वन क्रोमोसोम फादर से आया है एक मदर से आया तो वन क्रोमोसोम का एक जोड़ा हो गया तो कहते हैं के जो है वो एक समान, समान जगह पर एक समान जीन को रखते हैं ये अलग है कि जीन का एक्सप्रेशन फादर और मदर का अलग अलग हो सकता है जो डोमिनेंट जीन होगा वो हमारे अंदर दिखाई पड़ेगा लेकिन समान स्थान पर समान प्रकार के जीन को रखना वो होमोलोगस क्रोमोसोम में देखने मिलता है आपको ठीक है ना तो क्या देख रहे हैं, आप? आप देख रहे हैं। तो ऐसे मैंने क्या कहा ये दोनों ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटेड ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटेड लेकिन ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटेड होते हैं ठीक है क्लियर देखिए अब क्या हो गया बेटा ऐसा जिसमें ठीक आपको दिखाई आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मैंने कहा कि जो जो मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम उसमें दोनों आर्म इक्वल लेंथ की होंगी क्योंकि सेंट्रोमेर ठीक बीच में होगा और ऐसे क्रोमोजोम को पकड़ के आप खींचोगे खींचोगे तो एनर्जिया के कारण क्रो, क्रोमोसोम के आर्म पीछे चली जाएगी और सेंटोमेर को पकड़ खींचोगे वो आगे जाएगा तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा ये शेप का दिखाई पड़ेगा इसे खींच रहे हैं तो ये वी शेप का दिखाई पड़ेगा दोनों आर्म इक्वल है दोनों आर्म इसकी जो है वो इक्वल आर्म होंगी इसकी शेप तो का दिखाई पड़ेगा आ, कोई पूछता आपसे कि ऐसे क्रोमोसोम में आर्म रेशो क्या होगा आर्म रेशो मतलब

एल शेप दिखाई पड़ेगा आपको एनाफेज में जब इसको खींचोगे ना आप तो आपको एल शेप का दिखाई पड़ेगा एक आर्म एल में एक आर्म थोड़ी बड़ी होती है थोड़ी छोटी होती है और ये इसमें यदि आर्म रेशो बोलोगे तो आप बोलोगे लॉन्ग आर्म अधिक लंबी छोटी आर्म थोड़ी छोटी है तो आर्म नशो एक से अधिक मिलेगा आपको मोर देन वन मिलेगा ठीक है फिर में एक सिरे के पास में होगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा ये जब एनाफेज स्टेज में इसको आप खींचोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा जे शेप का दिखाई पड़ेगा आपको जे में एक आर्म छोटी होती है काफी छोटी होती है काफी बड़ी होती है जे शेप दिखाई पड़ेगा आर्म रिशो एक से अधिक दिखाई पड़ेगा हमको तो एनाफेज में जे शेप दिखाई पड़ेंगे याद रखिएगा बेटा ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे लिखा हुआ ऐसे ही पूछे जाते हैं बेटा ठीक है फिर जब सेंट्रोमेट सिरे पे होगा टर्मिनल एंड पे होगा तब क्या होगा क्रोमोसोम में केवल एक आर्म होगी यहां पर आप आर्म रेशियो नहीं निकाल सकते हो केवल एक ही आर्म प्रेजेंट है यहां पे और ये क्रोमोसोम को आई शेप दिखाई पड़ेंगे या रॉड शेप दिखाई पड़ेंगे टीलो सेंट्रिक क्रोमोजोम कहते हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं गलती कर देते हैं इसमें पूछा गया एग्जाम के अंदर एक बार कि रॉड शेप आर क्रोमोजोम ऑप्शन ए रॉड से ऑप्शन भी दे रहे मिस्टेक कराए लगाए लगा है। अरे वो रॉड से बैक्टीरिया होता है क्रोमोजोम बोला है मतलब क्रोमोज़ोम की बात कर रहा है ठीक है क्लियर ये हम एनसीआर के इमेज देख लिए हमने हाँ पे है ना बेटा याद रखिएगा भूलिएगा नहीं ठीक याद रखना

टाइप ऑफ चार तरह के होंगे मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन तीन तरह का होगा मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक में नहीं होते तो मिस्टिक मत कीजिएगा हमारा एक्स क्रोमोजोम सब मेटासेंट्रिक होता है वाई क्रोमोजोम एक्रोसेंट्रिक होता है ठीक है एक्स क्रोमोजोम होता है वो सब मेटासेंट्रिक होता है वाई क्रोमोजोम जो होता है वो एक्रोसेंट्रिक होता है ठीक है ना क्लियर मोस्ट ऑफ ह्यूमन क्रोमोजोम होते हैं सब मेटाट्रिक क्या सबसे लंबा क्रोमोजोम जो है वो आपको ट्रिलियम प्लांट में देखने मिलता है थर्टी माइक्रोमीटर का होता है और सबसे छोटे आपको फंजाई में देखने पॉइंट टू फाइव माइक्रोमीटर के होते हैं स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम होते हैं क्लियर चलिए एवरेज साइज ने हमारे सब सभी क्रोमोसोम के साइज को जोड़कर 46 से हम डिवाइड करते हैं एवरेज साइज को निकालेंगे तो दैट इज 5 माइक्रोमीटर के एवरेज साइज ऑफ ड्रोसोफिला क्रोमोसोम क्रोमोसोम है माइक्रोमीटर, ठीक की काउंटिंग करने का सबसे अच्छा अवस्था होता है मेटाफेज, ठीक है ठीक है। शेप की स्टडी करना हो तो अच्छा होता है एनाफेज लेकिन आपको जब काउंटिंग ध्यान से बात सुनिए काउंटिंग प्लस शेप दोनों की एक साथ स्टडी करना हो तो होता है मेटाफेज ठीक है एनाफेज में आप गलत काउंटिंग कर लोगे आपको डबल नंबर दिखाई पड़ेगा ठीक है क्रोमोसोम डिवाइड हो चुका होगा तो मेरी बात ध्यान सुनेगा केवल क्रोमोसोम की काउंटिंग करनी हो तो सबसे अच्छा अवस्था होता है मेटाफेज केवल क्रोमोसोम का शेप देखना हो तो सबसे अच्छा होता है एनाफेज लेकिन काउंटिंग और शेप दोनों एक साथ देखना हो तो आंसर इसका है मेटाफेज ठीक है ट्रिक क्रोमोजोम को व्हाइट ने देखा था एस्करिस्ट के अंदर सेंट्रोमेरिक इंडेक्स का मतलब क्या होता था? Very, very है बेटा वेरी वेरी आईएमपी ये फॉर्मूला पूछा गया बेटा के अंदर पहले ठीक अब देखो यार अभी ऐसा है कि एक ही एग्जाम होगा नीट का एन नीट का पूछेंगे नहीं पूछेंगे हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में लेकिन ये है कि बेटा जो भी एग्जाम में पूछा गया है ना वो सब तैयार रहना चाहिए हमारे पास में ठीक है ना क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि कंपटीशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है तो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन आता है ना तो वो पुराने पेपर्स को जरूर देखता है वो तो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स आता था लेंथ ऑफ शॉर्ट आर्म ऑब्लिक लेंथ ऑफ क्रोमोसोम के छोटी आर्म का आर्म की लंबाई जो भी क्रोमोसोम में छोटी आर्म उसकी लंबाई ऑब्लिक लेंथ ऑफ क्रोमोसोम वो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स लाता है ठीक है क्रोमेटिन टर्म को दिया था फ्लेमिंग ने साफ-साफ एनसीईआरटी -साफ में इसको मेंशन किया गया है ठीक है आइसोक्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनकी जो आर्म होती है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली होती है मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिनकी आर्म्स जिनकी जो आर्म्स हैं वो मोर्फलोज देखने में एक समान हो और जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी उनमें एक समान हो उनको हम आइसो क्रोमोसोम कहते हैं ठीक है सेक्स क्रोमोसोम को पहली बार डिस्कवर किया था सीवी मैकलंग के सीवी मैकलंग ने सेक्स क्रोमोसोम को पहली बार डिस्कवर किया था ठीक है नॉर्मल क्रोमोसोम को हम कहते हैं बेटा और ऐसे क्रोमोसोम जो कि जेंडर या सेक्स जो कि जेंडर या सेक्स जो कि जेंडर या हम कहते हैं कि कि जो जो ऐसे क्रोमोसोम सेक्स या जेंडर या जेंडर डिसाइड करते हैं मेल और फीमेल को डिसाइड करते हैं उन क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं एलोसोम कहते हैं हम ठीक है ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम की खोज की थी हेनकिंग ने ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम की खोज की थी हैंकिंग ने और ह्यूमन वाई क्रोमोसोम की खोज की थी स्टीवन और के तो ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम की खोज की थी हैंकिंग ने और ह्यूमन वाई क्रोमोसोम की खोज की थी स्टीवन और मैकलंग ने ठीक है क्लियर ट्रिलियम और ट्रेडर्स प्लांट में सारे क्रोमोजोम जो है मेटासेंट्रिक होते हैं एग्जामिनर जब पूछेगा तब बताना है बेटा आपको ठीक है याद रखिएगा इसको ठीक है आप ये मत सोचना बिल्कुल भी कि सर सर का तो बहुत ही हाई लेवल का पढ़ाते हैं बेटा ऐसा नहीं है मैं वही लेवल पढ़ाता हूं जो एग्जेक्टली मेडिकल इंट्रेंस के टॉपर का लेवल होना चाहिए क्या आप किसी भी मैं कह रहा हूं कि कोई भी आप एमसी की बुक को उठाकर सॉल्व करना शुरू करेंगे इफ यू आर कम्प्लीटिंग यूर एनी ऑफ द चैप्टर इन फिजिक्स में भी केमिस्ट्री और बायलॉजी में भी आप पढ़ रहे हैं यहां पे बायोमेट्रिक्स में तो नाइनटी से ऊपर एमसी आप सही सॉल्व करेंगे आप कोई भी एमसीक्यू को एक्स वाई जेड कोई भी हो मैं कह रहा हूं ऑफसेट के कारण ये है कि हमको उस लेवल जो एग्जाम का लेवल है वहां तक पेटा टच करना ही पड़ेगा हमको सहूलियत में सफलता नहीं मिलती है सफलता मिलती है तपने में मेहनत करने में टिकया मुझे मालूम है कि कई चीज़ें हम जो पढ़ते हैं ना उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिन ज, जो जिनका चांसेस आने का कार थोड़ा कम है लेकिन हम रेगुलर बेच में पढ़ रहे हैं हम रेगुलर क्लास में पढ़ रहे हैं इन वी आर नॉट डिस्क हम जब क्रैश कोर्स देते तो हम बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस नहीं करते उसमें लेकिन रेगुलर बेच में करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हम ए आई आर वन के लिए पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं हम ए आई आर वन के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर ठीक है ना बेटा चलिए द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज दैट ए स्पीसीज पोजेज हैज नो बेसिक सिग्निफिकेंस देखिए सिंपल सी बात है किसमें कितने क्रोमोसोम संख्या है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है द क्वालिटी ऑफ जीन

ठीक है सडनली वो कैमरा ऑफ हो गया फिर से तो हालांकि सब इलेक्ट्रिसिटी का ये सब कुछ प्रेजेंट इसमें मुझे लगता है शायद माइनर सा फ्लक्चुएशन कुछ होता होगा तो उसके चलते ये ऐसा हो जाता है ठीक है

वो सब हमसे बनना चाहिए समझ गए ना ठीक है अब बात करते हैं मेटाफेजिक क्रोमोसोम की बात करते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम क्योंकि जिस क्रोमोसोम के बारे में एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है जो क्रोमोसोम हमको समझना है वो होता है मेटाफेजिक क्रोमोसोम ठीक देखिए नॉर्मल क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है मैंने पहले भी आपसे कहा कि नॉर्मल क्रोमोसोम में ऐसा नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसा होता है ठीक है लेकिन जब जो है सेल डिवीजन के पहले डीएनए अपने आप को डबल करता है तो बिफोर द सेल डिवीजन डीएनए डबल करता है तो नॉर्मल क्रोमोसोम में आपको एक की बजाय वो दो डीएनए हो जाता है तो क्या लिखा इसमें मेटाफेजिक क्रोमोजोम दो डीएनए होते हैं ब्रैकेट में हैविंग डबल डीएनए कंटेंट इन कंपेयर टू नॉर्मल क्रोमोजोम के मेटाफेजिक क्रोमोजोम जो नॉर्मल जो नॉर्मल क्रोमोसोम है जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है बेटा वो ऐसा होता है ठीक है और जो जब से, सेल डिवाइड करने को आती है डीएनए डुप्लीकेट कर चुकी होती है तो मेटाफेज में दिखाई पड़ता वो होता है ये वाला क्रोमोजोम मेटाफेजिक क्रोमोजोम होता है मेटाफेजिक क्रोमोजोम में हमको दो क्रोमेटिड दिखाई पड़ते हैं एक वन क्रोमेटिड इज दी हाफ लॉन्गिट्यूडल पार्ट ऑफ ऑफ क्रोमोजोम के एक क्रोमेटिड का मतलब होता है कि वो एक क्रोमोजोम का लंबवत आधा, आधा भाग होता है लंबवत आधा भाग होता है ठीक है हाफ लॉन्गिट्यूडल पार्ट ऑफ क्रोमोजोम ठीक है देखिए ये मेटाफेजिक क्रोमोजोम मैंने आपको बताया बेटा कि इसमें जो इसका

सेम क्रोमोसोम अंडर नॉर्मल देखिए है ना साफ साफ़ ये नॉर्मल कंडीशन में क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहा है ऐसा होगा आपको जब रेप्लीकेटिंग क्रोमोसोम रेप्लीकेट कर जाएगा तो हमको वैसा दिखाई पड़ेगा हमें ठीक है ठीक है डबल हो गया वो क्लियर है ना ठीक है ना तो हम क्या देख रहे हैं एक क्रोमोसोम होमोलगस क्रोमोसोम का जोड़ा होमोलोग पैर में एक क्रोमोसोम आ, आता है मदर से एक आता है बेटा फादर से ठीक है ना ठीक एक आता है मदर से एक आता है फादर सेट और हम क्या देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि ये आपस में ये आपस में सिस्टर क्रोमेटेड होंगे बेटा ये सिस्टर क्रोमेटेड होंगे ठीक है और इन दोनों को बात करेंगे तो ये आपस में नॉन सिस्टर होंगे याद रखिएगा ठीक है ना हर एक क्रोमेटेड में दो क्रोमोनिमेटा होते हैं अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज हो गई है देखो बेटा जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सेंट्रोमियर है ठीक है ये एक क्रोमेटेड हो गया ये दूसरा क्रोमेटेड हो गया ठीक है इसके अंदर हम देखेंगे यहां पे तो हमें जो है वो ऐसा दिखाई पड़ता है ठीक है एक डीएनए के धागे दिखाई पड़ते हैं हमको ऐसे ये एक धागा जो है वो एक क्रोमोनिमिट एट के दो धागे हैं दो क्रोमोनिमिट ऐट के ठीक है आप दीजार क्रोमोनिमिट एट ना, ना? क्लियर आर प्रोटीन कोटेड डीएनए द डायमीटर हंड्रेड के क्रोमोनिमेटा क्या होते हैं प्रोटीन कोटेड डीएनए होता है इनका डायमीटर जो है हंड्रेड एंगस्ट्रॉम का होता है Met, एक मेटाफिजिक क्रोमोजोम में टोटल चार क्रोमोनिमेटा होते हैं दो आपको ये दिखाई पड़ रहा है दो बाजू में दिखाई पड़ रहे हैं टोटल चार क्रोमोनिमेटा होते हैं ठीक है ठीके? क्रोमोसोम का जो टर्मिनल एंड होता क्या बोलते है उसे हम सेम बोलते हैं टीलोमेर सेम बोलते हैं टीलोमेर कहते हैं और टीलोमर वर्ड को मुलर ने जैसे बताया तो याद रखिए जो तो वर्ड को मिलर ने दिया और के कारण क्या था क्रोमोसोम के जो सिरे होते हैं, एंड होते हैं 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 एंड वो वो सील हो जाते जाते बंद हैं वो, और इस कारण से दो क्रोमोसोम आपस में फ्यूज नहीं करते तो दो क्रोमोसोम आपस में फ्यूज कर सकते थे तो दो क्रोमोसोम आपस में फ्यूज नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिलोम टीलोमेर पे नेगेटिव चार्ज होता है तो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को वो रिपल भी करते हैं टीलोमेर के पास में स्पेशल टाइप का डीएनए होता है

ठीक है डायग्राम को ध्यान से देखिएगा पूरी बातें जो मैंने बता रहा हूं क्लियर किया गया ठीक है देखिए एंड दिस इज द इमेज इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना बेटा बना सके तो उसे बना लीजिएगा सिंपल सा इमेज के है ना तो सिरे हैं उनको टीलोमेर कहते हैं लंबवत आधे भाग को बेटा क्रोमेटिड कहते हैं हमें इसके अंदर क्रोमोडिमेटा दिखाई पड़ रहे हैं फिर हम देख रहे हैं कि हमें क्रोमोमियर दिखाई पड़ा है क्रो जहां जहां पर क्रमोनीमेटा कंडेंस हो गए और मोती समान जहां जहां पे क्रोमोनिमेटा कंडेंस हो गए मोती समान स्टेशन बन गया उसे क्या बोला उसे हमने क्रोमोमियर बोला उसको के ठीक है फिर सेंट्रोमेयर सेंट्रोमेयर में हमको काइनेटो कोर दिखाई पड़ रहा है बेटा और क्रोमोसोम में हमें जो है जो एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रेजेंट है वो मैट्रिक्स कहलाता है और जो क्रो क्रोमोसोम की बाहर लेर उसको हम पैलिकल कह सकते हैं हालांकि पैलिकल हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं पड़ती पर थ्योरेटिकली साइंटिस्ट कहते हैं कि देयर देयर इज इज अ अ बाउंड्री जिस जो क्रोमोसोम को तय करती है उसे हम पैलिकल कहते हैं ठीक है बोथ क्रोमेटिड अटैच टू दी एट दी सेंट्रोमियर के टर्म क्रोमोनिमा दिया था जेडोवस्की नेट किसको बोलते हैं ना जेडोवस्की के इनका नाम पढ़ते हैं जेडोवस्की ठीक है तो क्रोमेटेड सेंटर में जुड़े होते हैं क्रोमोनिमा वर्ड को जेडोवस्की ने दिया दीज आर दी, दी फिलामेंट ऑफ डीएनए विच आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम के क्रोमोनिमेटा क्या होता है ये वो डीएनए के धागे होते हैं जो पूरी क्रोमोसोम की लंबाई में फैले होते हैं ठीक है मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम इन नॉन जेनेटिक पार्ट क्रोमोसोम का जो मैट्रिक्स होता है वो एमोरफस प्रोटीन से बना होता है, है, है नॉन जेनेटिक मतलब, सिरे होते हैं और वो उनको, उनको सील बंद करते हैं और क्रोमोसोम का शुरुआत एक टीलोम से होती है खत्म दूसरे टीलोमेटरिटी को भी शो करते हैं ठीक है ना वेरी वेरी आई एम पी

पर आपको जो एक इससे विशेष एंजाइम मिलता है टीलोमेस कहते हैं ये एंजाइम प्रोटीन से नहीं बना होता है इट इज बेसिकली आरएनए आरएनए कैटालिटिक होता है जो टीलोमेरिक डीएनए को बनाता है डीएनए में ग्वानी नाइट्रोजोबेस बड़ी मात्रा में होता है इसमें रिपीटेटिव डीएनए सिक्वेंस पाए जाते हैं टीलोमेरिक डीएनए जो है वो स्पेसिफिक होता है साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे एज से रिलेटेड हमारी एजिंग और बायोलॉजिकल क्लॉक के जीन टीलोमेरिक डीएनए पर पाए जाते हैं ठीक है इन क्रोमोजोम क्रोमोजोम का रेशियो कितना होता है, one ratio, one होता है. Centromer, centromer के पर जुड़ते हैं फोर से लेके फोर्टी तक चार से लेके चालीस तक स्पिंडल फाइबर एक काइनेटोकोर से आकर जुड़ सकते हैं और इनका काम क्या होता है जुड़ने के बाद में क्रोमोसोम को खींचना ताकि डिवाइड कर सके एंड प्रोवाइड द क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डिवीजन सेल के समय क्रोमोसोम को मूव कराना है क्रोमोसोम को डिवाइड करना है तो फोर्स लगाने के लिए क्रोमोसोम से जुड़ना पड़ेगा और जुड़ने वाली जगह होती है काइनेटोकोर वहां पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं ठीक है ठीके? तो कह सकते हैं हम द कानेटोकोर आर सेंटर वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन

ठीक है इसमें कुछ जगह पर ये ऐसे कंडेंस हो गए थे इनको हमने क्या बोला था क्रोमोमियर कहा था हमने बार बार हम स्पिंडल फाइबर का नाम लेते हैं अब ये भी तो समझ लो कि स्पिंडल फाइबर क्या होता है एक स्पिंडल फाइबर में तकरीबन चार से लेके बीस तक माइक्रोटिब्यूल होते हैं के?

अब नेक्स्ट क्रोमोजोम में हम थोड़ा अब काफी लंबा लेक्चर हो गया आपका तो हमें काम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्रोमोजोम में हम जो है वो सेट क्रोमोजोम और स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम पर हम बात करेंगे लेक्चर थोड़ा लंबा है क्योंकि चैप्टर को हमें फाइनली बेटा फिनिश कर रहा है और फिर इसके बाद हम नए चैप्टर में एंटर करेंगे को पढ़ेंगे हम ठीक है तो कभी कभी कुछ क्लासेस बेटा है ना ऐसी होंगी जो थोड़ी लंबी होंगी नॉर्मल क्लास से चैप्टर को पूरा करने के लिए है ना क्योंकि हमको भी हमारा भी एक टाइम फ्रेम है ना दिमाग में कि हमें इस टाइम को सिलेबस पूरा करना है तो थोड़ा बेटा मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करता हूँ थोड़ा आपसे उम, उम्मीद करता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ठीक है ना क्लियर गुस्सा मत हुआ होना इसको लेकर कि सर तो इतना लंबा लेक्चर ले लिया आपने यार देखो हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना तो हम ये चाहते हैं बेटा कि वो मेहनत आप तक पहुँचे और आप भी आप सफल हो उसको लेकर इसलिए आपको भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा तो बेटा पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल दी बेस्ट Hi. To become an official commando of Biomentors. Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.